नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने बुलाया भारत बंद। रेल रोकने का ऐलान किया है। कई राज्यों के किसानों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई थी। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रही है। किसान संगठनों के इस बंद को 31 किसान संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। उम्मीद है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। कोरोना काल में बिहार चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने तय वक्त पर चुनाव करवाने की बात कही थी। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट को लेकर भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। बता दें, बड़ौदा सीट पर उपचुनाव होना है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आए हैं। दीपिका पादुकोण से आज एनसीबी पूछताछ करेगी और साथ ही एनसीबी ने क्वान टेलीकॉम की एजेंसी की मैनेजर करिश्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को भी एनसीबी का समन मिल चुका है, जिसके बाद अब रकुल प्रीत सिंह एनसीबी के सामने पेश होंगी। एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रकुल प्रीत से पूछताछ करेगी। ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी ने समन जारी किया। एनसीबी ने सारा और श्रद्धा को पूछताछ के लिए शनिवार को बुलाया है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी से समन जारी होने के बाद गोवा में परिवार के साथ छुट्टी मना रही सारा अली खान मुंबई पहुंची, जहां सारा अपनी मां अमृता सिंह के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाया कहर। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,24,00,000 के पार। अब तक 9,87,742 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए कोरोना के 71,85,471 मरीज। कोरोना से गई 2,07,000 से ज्यादा लोगों की जान। ब्राजील में कोरोना से मचा हाहाकार। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 46,59,909। ब्राजील में अब भी 4,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 11,28,000 से ज्यादा। अब तक 9,29,829 मरीज हुए रिकवर। स्पेन में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही रफ्तार। अब तक सामने आए 7,04,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना से गए 31,118 लोगों की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,67,000 के पार। अब तक 16,283 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,444 लोगों की जान। अब तक सामने आए कोरोना के 3,09,000 से ज्यादा मरीज। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 85,919 नए मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 58,16,000 के पार। अब तक 92,317 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 12,82,963। अब भी 2,74,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब तक सामने आए 6,54,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के चलते गई 5,558 मरीजों की जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,74,000 के बाद। अब तक 3,07,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में फिर चरम पर कोरोना। एक दिन में सामने आए 3,834 नए मरीज। 36 लोगों की हुई मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में 76 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,05,220। प्रदेश में कोरोना के 1,698 मामले आए सामने। कुल आंकड़ा 1,18,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की कोरोना से मौत। 98,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर।
पंचकुला में कोरोना के 107 नए केस मिले, जिनमें से 101 मरीज पंचकुला से हैं, जबकि 6 बाहरी इलाकों से 4 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। पंचकुला में मौत का आंकड़ा 76। सिरसा में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई, जिले में मौत का आंकड़ा 55 हो गया। 100 नए केस भी मिले, जिसके बाद कोरोना का आंकड़ा हुआ 3355, 824 एक्टिव केस। करनाल में 58 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, 268 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, जिसके बाद जिले में 1252 केस एक्टिव। नू में पिछले 24 घंटे में 8 नए केस सामने आए, 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 95 केस एक्टिव, 1058 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 942 मरीज ठीक हो चुके, 21 मरीजों की गई जान। नू में अस्पताल में इलाज कराने से पहले लोगों को कोरोना का टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। डिप्टी सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी डर के अस्पताल आकर अपना इलाज करवाएं, लेकिन इलाज से पहले कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। नू में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर पिनगवा शहर में लोगों के कोरोना टेस्ट लिए जा रहे, ताकि कोरोना मरीज की पहचान हो सके। कोरोना खर्च को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी खर्चा होता है उसका ऑडिट सीएजी करता है, एक सिस्टम है। अगर व्यवस्था ना होती तो भी विपक्ष सवाल उठाता और शोर मचाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2,30,00,000 रुपए की लागत से हिसार के लघु सचिवालय के सभागार में निर्मित अगुआ बस स्टैंड का उद्घाटन किया। बस स्टैंड से हर 10 मिनट के अंतराल पर लंबे रूट की बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रामीण सड़कों पर बस क्यू शेल्टर के निर्माण का काम शुरू किया है। जिला परिषदों की जरूरत के मुताबिक बस क्यू शेल्टर्स के निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत अग्रुहा को भी बधाई दी, जिसने इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए 99 साल के पट्टे पर प्रतिवर्ष 1 रुपए की दर से 12 कनाल पंचायत भूमि प्रदान की है। गृहमंत्री ने किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के बीच पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजीपी मौजूद रहे। गृहमंत्री ने अधिकारियों को भारत बंद के दौरान पूरी दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ हर हालात से निपटने का निर्देश दिया। उन्होंने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करें। अनिल विज ने कहा कि देश में प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिस जगह लोगों को इकट्ठा करना है उन जगहों पर कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। विज ने कहा कि प्रदर्शन के लिए डीसी से मंजूरी लेनी होगी, नेता कौन है ये बताना होगा। किसी भी पड़ोसी राज्य के लोगों को हरियाणा को बॉर्डर में आकर शांति भंग नहीं करने देंगे। विरोधी दलों के किसानों को लेकर किए गए सवालों पर गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार किया, कहा कि एमएसपी पहले से लागू है और उसे खत्म करने की बात किसी ने नहीं की, ऐसे में नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगने वालों को भी विज ने जवाब दिया। विज ने कहा कि पंजाब को हमारी राजनीति से क्या लेना, और दुष्यंत ने कृषि अध्यादेशों को सराहा है, सिर्फ कुछ लोग अब इसे मुद्दा बनाकर तमाशा करना चाहते हैं। जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार जल्द ही लोक कलाकारों के कल्याण के लिए योजना लेकर आ रही है, जिससे लोक कलाकारों को फायदा मिलेगा। वहीं कृषि बिल को लेकर जारी विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एमएसपी से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने पहले के मुकाबले में एमएसपी बढ़ाया है। नारनौर में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खेड़ी चौपटा गांव में सब तहसील का उद्घाटन किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर ही समाधान भी किया। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हांसी में 25 करोड़ की लागत से तैयार हुए रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। कहा, सांसद रहते हुए हांसी के विकास के लिए उन्होंने जो सपने देखे थे आज उन्हें साकार होता देखकर बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया। प्रदेश में 53 जगहों को छोड़कर बाकी सभी रेलवे मार्गों को फाटक रहित किया जा चुका है। इस साल के अंत तक प्रदेश में कोई भी फाटक युक्त रेलवे मार्ग नहीं रहने दिया जाएगा।
चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कृषि बिल को लेकर धनखड़ ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर शंका और भ्रम पैदा किया जा रहा है। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही घोषणा पत्र और अपनी बनाई कमेटियों की रिपोर्ट और भाषणों का विरोध किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कांग्रेस ने सत्ता में रहकर भी उसे लागू नहीं किया। अंबाला में इनेलो नेता अभय चौटाला ने डीसी के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने अगर अध्यादेश वापस नहीं लिया तो प्रदर्शन जारी रखेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि पहले 25 सितंबर से खरीद शुरू होने वाली थी लेकिन अब 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। अगर इस समय बारिश आ गई तो इससे किसानों को नुकसान होगा। सरकार को गांव गांव जाकर किसान की धान खरीदनी चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने किसानों के मुद्दे पर कई पद त्याग दिए थे लेकिन सत्ता में बैठे रंजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला सत्ता की लालच में चौधरी देवीलाल की नीतियों को पर कुटाराघात कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि कृषि सुधार के नाम पर कानून किसानों पर थोपे गए हैं। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए गए। कुछ विपक्षी सांसद भी इसको पास करवाना चाहते थे। रादौर में कृषि बिलों के समर्थन में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने किसानों के साथ निकाली ट्रैक्टर रैली। इस दौरान कर्णदेव कंबोज ने कहा कि कृषि बिलों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता के लालची हैं। सिरसा में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कृषि अध्यादेश न सिर्फ किसान के हित में है बल्कि इनमें व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया है। इनसे किसान खुशहाल और विकसित होगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा चुनाव के समय गरीबी हटाओ का नारा देकर लोगों को गुमराह किया और अब अध्यादेश को लेकर किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है। पलवल में कृषि बिलों को लेकर किसानों में खुशी की लहर। किसानों ने कहा कृषि अध्यादेशों से देश में किसान अपनी फसल और उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं। प्रतला के किसान का कहना है कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी है। सरकार ने कृषि अध्यादेश लागू कर किसानों को फसल बेचने की आजादी दी। कानून के मुताबिक किसान अपनी फसल को किसी भी मंडी में उचित मूल्य पर बेच सकता है। सिरसा में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा और जिलाध्यक्ष सर्वजीत सिंह ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कृषि अध्यादेश को लेकर रतिया में खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कृषि जागरूक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें कृषि वैज्ञानिकों किसानों और आढ़तियों ने हिस्सा लिया। कई सामाजिक संगठन भी सेमिनार में शामिल हुए। सेमिनार में कृषि अध्यादेश पर जमकर चर्चा हुई। इसे घातक बताया गया। समिति के अध्यक्ष ने बताया किसी भी सूरत में कृषि अध्यादेश कानून लागू नहीं होने देंगे जिसको लेकर 25 सितंबर को पूरे देश बंद का आह्वान किया गया। रतिया में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कृषि अध्यादेश पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का अपने पद से इस्तीफा देना ड्रामा है। पीएम को पत्र लेकर मांग की है कि कृषि बिल वापस लिए जाए। चीन में कपास मंडी आढ़ती एसोसिएशन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ। नए कृषि विधेयकों को लेकर किसान संगठनों के समर्थन में मंडियां बंद रखने का फैसला लिया। आढ़तियों ने कहा कि सरकार बाजरे और सरसों की फसल को आढ़तियों से छीन चुकी है। मंडी में मिलर्स को फसल खरीदने की पर 1% मार्केट फीस देनी होगी जबकि बाहर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद और रेल रोको ऐलान के चलते अंबाला रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया। किसानों के बंद के चलते अंबाला से चलने वाली 26 अप डाउन ट्रेनें और 9 पार्सल ट्रेनें रद्द कर दी गई। वोरा चीका की अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। किसानों ने जेसीबी मशीनों के जरिए अपनी फसल बोरियों में भरी। किसानों ने आरोप लगाया कर्मचारी धान की देखरेख नहीं कर रहे हैं। अनाज मंडी में कमीशन एजेंट हड़ताल पर हैं। एजेंट्स का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। उनकी इस हड़ताल का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सिरसा में रोडवेज तालमेल कमेटी के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर में 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा डिपो के मैकेनिक की कोरोना से मौत हुई उसके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। पलवल में रोडवेज कर्मचारियों की मौत के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और रोडवेज कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा।
डीपो प्रधान ने कहा कि कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति महीने जोखिम भत्ता तुरंत लागू किया जाए ताकि इस संकट की घड़ी में विभाग के सभी कर्मचारी भविष्य में भी बढ़ चढ़कर योगदान दें और उत्साहित होकर काम करें। कोरोना की मार के बीच राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। फरीदाबाद के 2 डिपो होल्डर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि राशन डिपो होल्डर उन्हें पूरा राशन नहीं देते और विरोध करने पर बदतमीजी करते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी की माने तो उन्हें मीडिया के जरिए 2 डिपो होल्डर्स की मनमाने की शिकायत मिली है, जिसकी वो जाँच करवाएंगे। अगर दोषी पाए गए तो डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पलवल के ओझल में नगर परिषद के डाले जा रहे कूड़े के ढेरों में हर समय आग लगी रहती है, जिसमें से हानिकारक धुआं निकलता रहता है। नगर परिषद अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। राहगीरों का यह कहना है कि कूड़ा नगर परिषद जोहड़ में भी डाला जा रहा है, जबकि सरकार जोहड़ों को साफ करने में लगी है। आसपास रहने वाले लोग कूड़े के धुएं की वजह से परेशान हैं। पलवल में गांव विगावरी पंचायत से अकबरपुर नाटोल गांव की पंचायत को अलग करने को लेकर अकबरपुर नाटोल के लोगों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया। ग्रामीणों ने कहा सरपंच हमेशा बिगवाली गांव का होने के कारण हमारे गांव में विकास कार्य नहीं हो पाते। गांव के 80% लोग एकजुट हैं, सभी की सहमति से अलग पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। नूह के फिरोजपुर जिरका में रास्ते में गंदा पानी और कीचड़ जमा होने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है समस्या के समाधान के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से रास्ते की मरम्मत कराने की मांग की। कहा मेन रास्ते होने के कारण स्कूल के बच्चों को भी इसी रास्ते से निकलना पड़ता है, जिन्हें परेशानी होती है। कैथल में फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर की किश्त ना देने में असमर्थ किसान का ट्रैक्टर उठा लिया, जिससे गुस्साए किसानों ने फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठकर लेटकर जाम लगा दिया, नारेबाजी की। किसान ने बताया कि वो ऋण की किश्त नियमित रूप से भर रहा था, लेकिन पिछली बार फसल खराब होने के कारण किश्त नहीं दे सका। अब जीरी की फसल उठ जाने के बाद किश्त दे देगा। कंपनी ने बिना सूचना दिए ट्रैक्टर उससे छीन लिया। पानीपत के सेक्टर 25 में मौजूद मित्तल मॉल चल रहे देव व्यापार के गोरख धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस की रेड के दौरान स्पा सेंटर से दर्जन से ज्यादा लड़कियां मिली जो देव व्यापार में शामिल थीं। इसके अलावा स्पा सेंटर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध विदेशी शराब पकड़ी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। रेवाड़ी में महिला चौकी इंचार्ज को झगड़े में जाना पड़ा भारी। दरअसल चौकी इंचार्ज सुशीला सिपाही के साथ बुडला गांव पहुंची थी, जहां से झगड़े की सूचना मिली थी। इस दौरान शिकायत करने वाली महिला ने न केवल चौकी इंचार्ज से मारपीट की बल्कि उन्हें घायल भी कर दिया। भिवानी के विकासखंड कार्यालय में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत फर्जी तौर पर भर्ती करने का मामला सामने आया, जहां एक निजी कंपनी ने बिना किसी विभाग की मंजूरी के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर साक्षात्कार दिए। वहीं निजी कंपनी के कर्मचारियों से जब पुलिस की पूछताछ हुई तो कर्मचारियों ने माना कि बिना किसी विभाग की मंजूरी की नौकरी देने के लिए शिविर आयोजित किया गया। हांसी के बड़े व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी ने कई बार व्यापारी को फोन किए 1 करोड़ का इंतजाम करने की धमकी दी। पानीपत में पुलिस ने पत्नी सास और साली की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए शवों को चलाकर फेंका था। करनाल में युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक कपड़े की दुकान पर काम करता था। इंद्री में मीटर लगाने के बहाने फोन पर अश्लील बातें करने और रिश्वत लेने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा पीड़ित महिला परिजनों ग्रामीणों थाने में पहुंचकर नारेबाजी की। पीड़िता ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो थाने में धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, रूट जाम कर देंगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। जेल में नाबालिग लड़की से रेप और अपहरण के आरोपी को महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 सप्ताह पहले संदिग्ध हालत में नाबालिग गायब हुई थी। पानीपत की बलजीत नगर नाका चौकी में तैनात एसपीओ सतीश कुमार का फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया, जिसमें एसपीओ एक महिला को बंदूक की गोली भरकर देकर उससे हवाई फायर करवा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी सचिन और कुलदीप से पुलिस ने 11 ऑटोमेटिक मैगजीन पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी गुरुग्राम में हथियारों की डिलीवरी देने आए थे। एलनाबाद के मेन बाजार में किराना व्यापारी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरों को गिरफ्तार किया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। और रोहतक के पीजीआई में महिलाओं के साथ छिड़खानी का मामला सामने आया, जहां एक युवक महिलाओं के कपड़े पहनकर वार्ड बारे में महिलाओं के साथ छिड़खानी कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने छिड़खानी की शिकायत के बाद आरोपी युवक को धर दबोचा।